नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो पोर्नोग्राफी में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। राज कुंद्रा केस में शुरू से ही दो एक्ट्रेस के नाम काफ़ी चर्चा में रहे हैं, एक है शर्लिन चोपड़ा और दूसरी हैं पूनम पांडे। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं अब पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने न्यूडिटी का मतलब समझाया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शिल्पा शेट्टी ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा था कि मेरे पति जो हैं वो पोर्न नहीं बनाते हैं बल्कि इरोटिक कॉन्टेंट बनाते हैं, इरोटिक फिल्में बनाते हैं। इस तरह का लॉजिक देकर वे अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब इसी को लेकर पूनम पांडे ने जो है वे शिल्पा शेट्टी को सीधा जवाब दे रही हैं और शिल्पा शेट्टी को कह रही हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूं कि न्यूडिटी, पॉर्न और एरोटिक कंटेंट क्या होता है, और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। पूनम पांडे ने सीधा निशाना शिल्पा शेट्टी पर साधा है और उन्हें नसीहत दी है कि वे झूठ ना बोलें और सभी समझते हैं कि एरोटिक, पॉर्न और न्यूड कॉन्टेंट में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इससे पहले भी पूनम पांडे राज कुंद्रा पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा चुकी है। राज कुंद्रा पर पूनम पांडे ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनके कंटेंट को, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म होने के बाद भी यूज़ किया, यानी जो फिल्में उन्होंने पूनम पांडे के साथ बनाई थी और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी उनकी वेबसाइट्स पर उनका कंटेंट मिला, उन्होंने उसका कंटेंट यूज़ किया और उससे पैसे कमाए। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अदालत के दरवाजे भी खटखटाए थे और अब इस पॉर्न मामले के साथ उस मामले की भी जाँच हो रही है। आगे इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट होती है ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।